प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला केस में 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। इसके अलावा लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और मुंबई में भी छापेमारी की गई। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीमें मौजूद हैं। फिलहाल इनमें मनीष सिसोदिया या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के घर टीम नहीं पहुंची है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे जहां कुछ भी नहीं मिला, अभी ईडी के छापे मारेंगे, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं उसे रोकने का काम हो रहा है, लेकिन ये लोग उसे रोक नहीं पाएंगे। या सीबीआई यूज़ कर ले या ईडी, उसे रोक नहीं पाएंगे। मेरे पास ज़्यादा सोचना नहीं है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। दिल्ली के जोरबाग में बिजनेसमैन समीर महंदो के घर छापेमारी की गई। इनके घर सुबह करीब 7 बजे से ईडी की टीमें मौजूद हैं। उन पर मैसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप है। उधर गुरुग्राम में बड्डे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित अरोड़ा के घर भी छापेमारी जारी है। बड्डे के खिलाफ पहले सीबीआई ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि बड्डे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के डायरेक्टर अमित अरोरा, दिनेश अरोरा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ये लोग शराब लाइसेंसियों से आर्थिक फायदा लेकर उसे आरोपी पुलिस अफसरों तक डाइवर्ट करने में शामिल थे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में सीबीआई की एंट्री करा दी है, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा था कि नई एक्सरसाइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता है। वर्तमान में दिल्ली में 468 दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके। मनीष सिसोदिया पर इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7 दोनों पर ईडी जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं पीएमएलए के तहत शेड्यूल ऑफिस में आती हैं। इस तरह के मामलों में ईडी फौरन कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN.